तो ऐसी बड़ी शायरा और बड़ी हिम्मत वाली शायरा अना दहलवी को मैं आमंत्रित करती हूँ। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए अना दहलवी के लिए। सबसे पहले बड़े आदर सम्मान के साथ आप सबको प्रणाम करती हूँ, आदाब करती हूँ। यहाँ पर इसकी आवाज़ बढ़ा दो, मेरी आवाज़ कम है। मैं ये इशारा पढ़ने नहीं आई, ना कभी सम्मान पढ़ने आई, सिर्फ और सिर्फ मुझे हिंदी वालों ने, हिंदी साहित्य ने, दिल्ली वालों ने, उर्दू अकेडमी वालों ने मोहब्बतों से याद कर लिया है। इस मंच पर सिर्फ इसलिए आई थी और इस इलाके में, इस जगह पर, इतनी बड़ी जगह पे मुझे उम्मीद नहीं थी इतना अच्छा ये कवि सम्मेलन होगा। और मेरी खुशनसीबी है कि आप जैसे श्रोताओं के बीच में मुझे कवि सम्मेलन पढ़ने का मौका मिला है, शायद सुनाने का मौका मिला है। यहाँ ऋषि जी बैठे हैं सामने, संजय गर्ग जी, मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ, ऋषि जी आपकी, और खासतौर पर पूनम जी, और ये हमारे हरमन साहब बैठे हैं, सभी लोग। मैं सबकी एहसान मंद हूँ, मगर कीर्ति जी का भी संचालन अगर आप लोगों को लगा हो कि उन्होंने इतना खूबसूरत संचालन किया, एक बार जोरदार तालियां बजाए कीर्ति जी के लिए। ये कवि सम्मेलन को बनाया हमने नहीं, आपने बनाया और कीर्ति जी ने चलाया। मेरे पास आवाज नहीं है, मैं आपको एक बात बता दूं कि मेरा जो गला बैठा हुआ है, कल मैं इटावा में थी, शिवपाल जी के यहाँ मेरी किताब का विमोचन था, सातवीं किताब आ चुकी है मेरी और आधी दुनिया घूम चुकी हूँ। आपकी मोहब्बतें और अनगिनत इतने अवार्ड हैं घर में, ऐसा लगता है दुकान लगी है, मगर आपकी मोहब्बतें, आपका प्यार, उससे शायरी पढ़वा पाएगा? मेरी औकात नहीं आज शायरी पढ़ने की, और मैं रोऊंगी भी नहीं, घबराऊंगी भी नहीं, क्योंकि ये दिल्ली मेरा है, मेरा शहर है और ये देश मेरा है। तो इस देश में मुझे पता है प्यार करने वाले रहते हैं, प्यार मिलता है। इजाजत चाहती हूँ मोहतरमा श्यामा आंटी, मेरी बात ही मेरी, मैं माँ की जैसा मानती हूँ उनका प्यार, और उनकी इजाजत चाहती हूँ। वो सदारत कर रही है आज की जी। आवाज काम नहीं कर रही है, कोई बात नहीं, मगर यकीन है अशहार काम करेंगे, यकीन है। मैं आपको एक बात बताती हूँ, आज मैं तहत में कोशिश करती हूँ जितना भी सुनाऊं। कल आप जाके जो है यूट्यूब पे, गूगल पे अपना दहलवी को सुन लेना, जिन्होंने नहीं सुना है, और जो जानते हैं वो एक बार जोरदार ताली बजा दें मेरे लिए, मैं पढ़ती हूँ सुनने का। फूलों को कांटों पर चलना पड़ता है, सुनिएगा, फूलों को कांटों पर चलना पड़ता है। मुझे तो लग रहा था इतनी भी आवाज नहीं निकलेगी, मगर निकल रही है, ये ऊपर वाले का करम है, मेरा कुछ भी नहीं और आपकी मोहब्बतें। फूलों को कांटों पर चलना पड़ता है, इश्क ना वरना आग में जलना पड़ता है। आपको सलाम करती हूँ, आप जैसे श्रोता अगर पूरे देश में हो जाए ना, तो हमारे ये कवि सम्मेलन और सारे जितने मुशायरे आपके नाम हो जाए, ऐसे श्रोता सबके होना चाहिए। सुनिएगा, फूलों को कांटों पर चलना पड़ता है, इश्क न करना आग में जलना पड़ता है, और खास तौर पर ये शेर और ये जितनी भी मेरी बहनें बैठी हैं, खवातीन, नारी शक्ति, और सामने भी बैठी हैं, अगर शेर अच्छा लग जाए तो सबका मन चाहती हूँ। संजय जी, ऋषि जी, ऋषि जी, एक बार और कहूंगी तो हमारे कुछ और हो जाता है, तीन बार कहने में, सुनिएगा। औरत बनकर बहुत शुक्रिया, बहुत ही श्रोता बढ़िया लोग हैं। औरत बनकर जीना कोई खेल नहीं, वाह वाह, औरत बनकर जीना कोई खेल नहीं, सूरज बनकर रोज निकलना पड़ता है। सूरज बनकर, अच्छा शेर था, बहुत बढ़िया, आपने जाया नहीं जाने देना चाहिए। सूरज बनकर रोज निकलना पड़ता है, और चार पंक्तियां रखती हूँ, देखिए मेरे पास कुछ भी नहीं है,
ना मैं आपको हंसा सकती हूँ ना चीख चिल्ला सकती हूँ, और आज तो मेरी तरन्नुम में भी आवाज नहीं निकल रही। तहत तो बहुत दूर की बात है, सुनिएगा कि प्यार मोहब्बत की बात करूंगी, आपकी अपनी बात करूंगी, भारत माँ की बेटी हूँ, भारत माँ की बात करूंगी। वाह 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 वाह। चार पंक्तियां पढ़ती हूँ सुनिएगा। दिल में जो है मेरे अरमान भी दे सकती हूँ, दिल में जो है मेरे अरमान भी दे सकती हूँ, सिर्फ अरमान नहीं ईमान भी दे सकती हूँ, सिर्फ अरमान नहीं दिल में जो है मेरे अरमान भी दे सकती हूँ, सिर्फ अरमान नहीं ईमान भी दे सकती हूँ। मुल्क से मुझे इतनी मोहब्बत है ना, मुल्क से अपने मुझे इतनी मोहब्बत है ना, मैं तिरंगे के लिए जान भी दे सकती हूँ, मैं तिरंगे के लिए जान भी दे सकती हूँ। और ये मंच इतना खूबसूरत सजाया, वाकई आज मेरी आवाज होती ना तो मैं पता नहीं कितनी गलगल होती, मगर इस मंच पे आके ही गलगल हूँ। मैं बहुत खुशनसीब हूँ जो मुझे आज ये उर्दू अकेडमी और हिंदी अकेडमी ने याद रखा। चार पंक्तियां समर्पित हैं उर्दू अकेडमी और हिंदी अकेडमी को, आज के लिए ही शायद कर लिए हैं मैंने। चार पंक्तियां सुनिएगा। फूलों को फूल के रंग को तितली के हवाले कर दूं, फूल के रंग को तितली के हवाले कर दूं, गालिबो मीर को तुलसी के हवाले कर दूं, गालिब अमीर को तुलसी के हवाले कर दूं, आज आपस में मिला दूं मैं सगी बहनों को, आज आपस में मिला दूं मैं सगी बहनों को, यानी उर्दू को मैं हिंदी के हवाले कर दूं। बहुत शुक्रिया। ये सीटी कहाँ से आई? मैं आपको बताऊं, मैं 35 साल से मंच पर हूं, और अगर किसी बच्चे ने बजाई है या यंग बच्चे नहीं प्लीज भगवान ही बैठे तो उन्हें मुझे देख के सीटी तो नहीं बजाना चाहिए। गर्लफ्रेंड नहीं मिलेगी तुम्हें कभी जिंदगी में, और गर्लफ्रेंड तो छोड़ो शादी भी नहीं होगी। अब मैं क्या कहूं, अब हो गया चार पंक्तियां, अब मेरे लिए तालियां मत बजाना। मैं बिल्कुल नहीं कहूंगी कि मेरे लिए तालियां बजाओ, जिसके सम्मान में मैंने ये चार पंक्तियां कही है, मुझे पसंद है मेरी अपनी पंक्तियां। अगर आखिरी पंक्ति में आपके हाथ उठा कर अगर हवा में न रहे तो मेरे ऊपर नालत है। सुनिएगा कि किरण देना सुमन देना चमन देना न धन देना, किरण देना सुमन देना चमन देना न धन देना, वतन वालों मुझे तो सिर्फ इतना सा वचन देना, वतन वालों एडवांस में नहीं, वतन वालों मुझे तो सिर्फ इतना सा वचन देना, अना दिल में मेरे कोई तमन्ना है तो इतनी है, अना दिल में मेरे कोई तमन्ना है तो इतनी है, अगर मर जाऊं तो मुझको तिरंगे का कफन देना, अगर मर जाऊं तो मुझको तिरंगे का कफन देना। वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया, बहुत आभार। बहुत अच्छा। इतनी भी उम्मीद नहीं थी जितनी आपने मुझे तालियां दी। अब ये जो नौजवान तबका है, अगर आपकी हिम्मत नहीं करूंगी तो अच्छा नहीं होगा। सुनिएगा कि एक चार पंक्तियां मुझे अच्छी सी याद आ रही है, सुनिएगा। जिंदगी जिस पे मैंने वारी थी, जिंदगी जिस पे मैंने वारी थी, हर अदा जिसकी मुझको प्यारी थी, जिंदगी जिस पे मैंने वारी थी, हर अदा जिसकी मुझको प्यारी थी, वो नजर से उतर गया है ना, वो नजर से उतर गया है ना, मैंने जिसकी नजर उतारी थी, मैंने जिस, वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया, बहुत आभार।
बड़ा मन लिया। ऐसा है कि जब शायरी में दम हो ना तो आवाज कोई मायने नहीं रखती, शब्द शब्द पहुंचते हैं दिल तक। आप मन इतना दिया है आपने, कीर्ति जी आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ, हौसला बढ़ा दिया आपने मेरा। चार पंक्तियां और पढ़ती हूँ सुनिएगा। प्यार हिस्सों में बट नहीं सकता। मैं आपको बताती हूँ, जो लोग बांटने की कोशिश करते हैं ना, मैं बताती हूँ कि क्या है ये। प्यार हिस्सों में बट नहीं सकता, प्यार रस्ते से हट नहीं सकता। प्यार हिस्सों में बट नहीं सकता, प्यार रस्ते से हट नहीं सकता। कौन समझाए भी वकूफों को, प्यार पानी है कट नहीं सकता। बहुत सुंदर, वाह 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 वाह। प्यार पानी है, बहुत आभार। प्यार पानी है कट नहीं सकता। और ये चार पंक्तियां अब आप लोगों हवाले। कोई ये बोला कि जलवे लुटाने आई थी, कोई ये बोला कि जलवे लुटाने आई थी, कहा किसी ने के बिजली गिराने आई थी, कहा किसी ने के बिजली गिराने आई थी। जरा सी बात के अफसाने बन गए कितने, जरा सी बात के अफसाने बन गए कितने। मैं अपनी छत पे दुपट्टा सुखाने आई थी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मैं अपनी छत पे दुपट्टा सुखाने आई थी। क्या दुपट्टा सुखाया अन्ना, वाह। मुझे आज पता चला कि अगर मेरी मतलब आवाज थोड़ी सही रही और अगर मेरे तरन्नुम में आवाज नहीं रही तो मुझे दाद मिल सकती है। ऐसा मुझे लग रहा है कि मेरी शायरी पे मुझे दाद मिल सकती है। बहुत शुक्रिया, बड़ा एहसान। अच्छा कोई बात नहीं। अरे बात तो बहुत कुछ है, वही आप चश्मे वाले हैं जो कीर्ति जी ने पहले बताया था। मगर आप चार आंखों से देख किधर रही ये समझ नहीं आ रहा। चलिए बात इतनी सी है, चार आपके मन की बात करती हूँ, मतलब पढ़ती हूँ सुनिएगा। गजल सुनाओ, कई बार जोरदार ताली बजाओ सब मिलकर। बहुत शुक्रिया। मासूम मोहब्बत का बस इतना फसाना है, मासूम मोहब्बत का। यह आज के प्रोग्राम में जो है ना, सही मायने में पूनम जी ने फंसाया मुझे। हाँ, हिंदी अकेडमी ने तो बढ़ाया मुझे, उनका एहसान है। पूनम जी ने कहा कि आपका नाम वहीं से आया है, ये मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया। मगर पूनम जी ने कहा कि नहीं आना है चाहे कुछ बोले। अब मुझे लगा कि चलो मैं बैठ ही जाऊँगी कुछ नहीं तो, मगर वाकई मैं आपको प्रणाम करूँ। मेरा खुद दिल कर रहा है कि अपना कलेजा निकाल के आपके सामने रख दूं, इतना अच्छा सुन रहे हो। मतलब पढ़ती हूँ। मासूम मोहब्बत का बस इतना फसाना है, मासूम मोहब्बत का बस इतना फसाना है। कहाँ चले हारून भाई, मासूम मोहब्बत देखने जा रहे हैं वो। अच्छा इनकी उम्र देख लो। अच्छा उम्र से तो कुछ होता ही नहीं, दिल काम करता है। सुने, मासूम मोहब्बत का बस इतना फसाना है, कागज की हवेली है बारिश का जमाना है। कागज की हवेली है बारिश का जमाना है, क्या शर्तें। ये अब मतलब आज की जरूरत, शायद मैंने आज ही के लिए कहा होगा। कीर्ति जी सुनिएगा, और ये मंच से भी पढ़ रही हूँ सुनिएगा। क्या शर्ते मोहब्बत है गौरी, क्या शर्ते मोहब्बत है, क्या शर्ते जमाना है। क्या शर्ते मोहब्बत है, क्या शर्ते जमाना है। आवाज भी जख्मी है और गीत भी गाना है। क्या शर्ते मोहब्बत है, क्या शर्ते जमाना है। आवाज भी जख्मी है और गीत भी गाना है। ये शेर सुने, उस पार उतरने की उम्मीद बहुत कम है, उस पार उतरने की उम्मीद बहुत कम। सुन रहे हैं आप लोग? हाँ देखो, तालियां आ करते रहो, नहीं तो मुझे अंधेरे में कोई दिखाई दिखाई नहीं दे रहा।
और ठंड का असर आंखों पे भी हुआ है, इसलिए मुझे ये लगना चाहिए कि आप हो, है ना। उस पार उतरने की उम्मीद बहुत कम है। और आप लोग क्या वाकई में बैठने के लिए हो? और ऐसा लग रहा है कि ये मेरी बहन ससुराल से आए पर बेचारे मायके वाले जबरदस्ती सुन रहे। उस पार उतरने की उम्मीद बहुत कम है, उस पार उतरने की उम्मीद बहुत कम है, कश्ती भी पुरानी है, तूफान को भी आना है। कश्ती भी पुरानी है, तूफान को भी आना है। और एक शायरी के हवाले से शेर पढ़ती हूँ, संजय जी आपको समर्पित और हमारे ऋषि जी को समर्पित, हमारे हिंदी अकेडमी, उर्दू अकेडमी, सबको समर्पित। और अच्छा लग जाए तो आवा आप भी करना, ऐसा कहा जाता है। सुनिए, समझे कि न समझे वो आंखों के इशारों को, क्या बात है। समझे कि न समझे वो आंखों के इशारों को, एक शख्स को आंखों से एक शेर सुनाना है। वाह 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 वाह, एक शख्स आंखों से एक शेर सुनाना है। एक गजल की और शेर सुनाती हूँ, नौजवान बड़ी तादाद में है, आवाज तो मेरी नहीं है मगर आपकी मोहब्बत इतनी मिल गई है, मेरा हौसला बढ़ गया है, इजाजत है। अच्छा, इजाजत के मायने ये होते हैं कि तालियां बजाओ, आप अकेले ही काफी है। ये देखो बेचारे अकेले खड़े होकर ताली बजा रहे हैं, आप लोग भी कुछ ऐसा कर सकते हैं, बस यहां तक नहीं आइएगा, सुनिएगा। सुने समाप्त कर, दिल के कागज को सजाने में बड़ी देर लगी, दिल के कागज को सजाने में बड़ी देर लगी, तेरी तस्वीर बनाने में बड़ी देर लगी। अच्छा किया, इस मतलब पे दाद नहीं आती, आप बहुत समझदार हैं, और जिन्होंने दे दी वो बहुत ही ज्यादा समझदार हैं। दिल के कागज को सजाने में बड़ी देर लगी, तेरी तस्वीर बनाने में बड़ी देर लगी, अब किसी और के हाथों का मुकद्दर हूं मैं, अब रोकना अपने आप को, अब किसी और के हाथों का मुकद्दर हूं मैं, तुझको परदेश से आने में बड़ी देर लगी। बहुत अच्छा, वाह, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अब किसी और के हाथों का मुकद्दर हूं मैं, तुझको परदेश से आने में बड़ी देर लगी। और शेर बतारे खास दाइश से दुआएं चाहती हूँ, मेरी बहुत दूर दूर से बहनें आई हैं, छोटी भी हैं और मेरी बड़ी बाजी बैठी है सलमा बाजी भी, और शर्मा आंटी सुनिएगा, के दिल की शाखों पे तेरी याद बने बैठे थे। ऋषि जी कभी कभी आप कहाँ से खो जाते हैं? अच्छा, जब आप खो जाते हैं तो मुझे लगता है मैं कुछ गड़बड़ कर रही हूँ, तो मुझे डराइए मत, वैसे ही डरी हुई, है ना। ऐसा ऋषि है ना, वो ध्यानस्थ हो जाते हैं, ऋषि है। नहीं, हम भी तो उनके ध्यान में ही घूमे, वो अलग बात है, वो मान नहीं। चलिए, दिल की शाखों पे तेरी याद बने बैठे थे, दिल की शाखों पे तेरी याद बने बैठे थे, उन परिंदों को उड़ाने में बड़ी देर लगी, उन परिंदों को उड़ाने में बड़ी देर लगी। और ये शेर बतारे खास अगर आप तक पहुंच जाए, आपको लगे मैंने ये शेर कहा, आज तो छत से नजर ही नहीं आया सूरज। आप पूरे सदन को समर्पित करती हूं, और जो बिल्कुल नहीं दिख रहे ना उनको भी, मां से तो ज्यादा दाद आना चाहिए। आज तो छत से नजर ही नहीं आया सूरज, आज फिर बाल सुखाने में बड़ी देर लगी।